Praise the Lord. Praise the Lord. आज का ये दिन शुभ दिन है. आज के शाम शाम तक हम तक आज का ये दिन शुभ दिन. ठीक है, हम अपने ज्ञान या बुद्धि से परमेश्वर की चीजें ये जीवन बिताने की कोशिश करते हैं. हम अपने ज्ञान या बुद्धि से ये जीवन बिताने की कोशिश करते हैं. यदि हमारे पास ज्ञान या बुद्धि की कमी हो, हम प्रभु से नहीं मांगते हैं, हम लोगों से सलाह मांगते हैं. आपको पता नहीं है, यीशु को पाने के बाद आपका जीवन बदल गया है, लोगों की सलाह आपके जिंदगी में काम नहीं करता. दी एंड. जब से आपने यीशु मसीह को अपनाया है, लोगों की सलाह आपको नीचे ही गिराएगा, कभी उठाएगा नहीं. पर पौलुस ने अपने पत्री में कहा है कि तुमको पता नहीं है कि स्वर्गदूतों का न्याय तुम करोगे. तुमको पता नहीं है कि स्वर्गदूतों का न्याय तुम करोगे. कैसे लोग रहने चाहिए आप लोग, क्या बुद्धि और क्या मतलब, स्वर्गदूत आपको देखेंगे, आपका बात सुनेंगे. यदि आपने बोला कि ये गलत है, वो लोग मानेंगे कि ये गलत है. आप न्याय बन जाते हो, आप न्यायाधीश हो. आया ना? Yes. आपको पता था कि नहीं पता था? हाँ. जब से आपने यीशु मसीह को अपना लिया, दुनिया के तौर तरीके आपके लिए खराब हो गए, बंद हो गए, काम नहीं करेंगे आपके लिए. आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे कुछ भी करो. एक बार एक औरत का शादी हो जाता है, अपने मायके के तौर तरीके उसके ससुराल में चलते नहीं है. Correct. चलते कि नहीं चलते? तो औरत चलाती है मायके के तौर तरीके, चलाती है ससुराल में, या उसको मालूम है कि मेरा मायका का पूरा जिंदगी खत्म हो गया, अभी मुझे ससुराल के अनुसार जीना है. आया ना? आया ना? इसी बात को लेकर एक औरत एक नए घर में जाती है. एक औरत में ही ये क्षमता है कि वो एक नए पूरे जिंदगी को जी सकती है. आदमी में वो है नहीं, क्योंकि आदमी को आदत हो जाता है वो कैसे जी रहा है वो वैसे ही जिएगा. उसको बदलने की कोशिश करो, वो बदलता नहीं है. जब तक उसको लात नहीं मिलती है तब तक वो बदलता नहीं. पर औरत के स्वभाव में है कि कौन से भी ढांचे में डालो तो वो ढल जाती है. समझ में आ रहा है? यही हमारा जीवन है यीशु मसीह में आने के बाद. पुराने जीवन के तौर तरीके हमारे लिए कुछ काम के नहीं है. जब आप यीशु मसीह में आ गए, पौलुस कहता है कि हाउ अगेन डू यू लिव अंडर द बेगरली एलिमेंट्स, मतलब ये दुनिया के नियमों के अनुसार फिर से कैसे आप चल सकते हो. आपके लिए तो ये पनौती है, आपके लिए तो ये बुराई होगा, आपके लिए कुछ लाभ उत्पन्न नहीं होगा. सॉरी, दुनिया के तौर तरीकों से अगर आपको चलना है, आपका घाटा ही होगा, आपको धोखा ही मिलेगा, आप सफल नहीं होंगे. ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि अभी आप यीशु मसीह में हो, आपके लिए सारे दुनिया के दरवाजे बंद हो गए. दुनिया तुम्हारी सुनती नहीं है, क्योंकि तुम दुनिया में से नहीं हो और दुनिया के नहीं हो, इसलिए वो खराब हो गया वो सिस्टम आपके लिए. आपको मायका वो छोड़ना ही पड़ेगा. आपको मायके लेकर ससुराल में नहीं बैठ सकते हो. आया ना? Yes. बैठने की कोशिश भी करोगे तो आप ही रोओगे, आपका ही दिल टूट जाएगा, आपको ही वापस से वो मार मार के ससुराल वाले बना देंगे. आया ना? Yes. आम तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आम तरीके से मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए. सोलोमन को क्यों जाना जाता है? बुद्धि के लिए. पर ये जो बुद्धि था सोलोमन का, वो स्वर्गीय बुद्धि था या धरतीय संसारिक? पर सोलोमन के समान कोई भी बुद्धिमान नहीं था पूरे संसार में, ऐसा लिखा गया है. पूरे संसार में उसको अपना बुद्धि कहां से मिला? परमेश्वर से मिला. उसको कहां से मिला? परमेश्वर से मिला. हाँ, जब वो हम देखेंगे उसको कैसा मिला. ठीक है, तो सोलोमन को जानते हैं बुद्धि की वजह से. आज हमारा जिंदगी जो है ना, बुद्धि के कमी के वजह से वैसा है. देखो, यदि वो जो सिस्टम चलता है वो हमारे लिए चलता है ना, तो आज हमारा जिंदगी ऐसा नहीं रहता था. कुछ तो गलत है. नए सिरे से जब हमारा जन्म हुआ है, हमारे सारे कायदे कानून और तौर तरीके बदल गए हैं. हम दुनिया के लोगों से सलाह ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चलेगा नहीं. हमारे लिए वो, हम नए सिरे से जन्मे हैं. आपको पता नहीं कि वचन आपका पापा है? यू आर बिगॉटन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. अब्राहम ने पैदा किया किसको? आइजैक को. आइजैक ने पैदा किया किसको? जेकब को. जेकब ने पैदा किया किसको? यूसुफ को. 12 पुत्र को. ठीक है, जेकब ने किसको पैदा किया? वचन ने पैदा किसको किया? आपको पता है कि नहीं पता है? यू आर बिगॉटन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. यू आर नॉट बॉर्न ऑफ द विल ऑफ मैन, ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना तो शरीर की इच्छा से, पर परमेश्वर की इच्छा से. और पत्रस में लिखा है ना, यू आर बिगॉटन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. यू आर बिगॉटन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. ये आपका पापा है. इसका डीएनए, इसका जो डीएनए है, इसका जो नेचर है, जो स्वभाव है, आपके रगों में है. अविनाशी बीज से जन्मे. इसका जो डीएनए है,
इसका जो खूबियां है, इसका जो खासियत है आपके डीएनए में, जनरेशन कर्स है ही नहीं, क्योंकि आपके पापा में जो था वो आप में ही है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आपके पापा में जो है वो आप में है, इसमें अगर लिखा है तो मुझ में है। अभी हम गलती ये करते हैं कि गॉस्पल्स पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। हम गलती करते हैं कि पुराने नियम पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। एक बात बोलूं, आपके पापा कहाँ से जन्मे, कहाँ कहाँ पैदा हुआ? बोलो, कहाँ पैदा हुआ? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। कहाँ पैदा हुआ? क्रूस पर मरे और उसके साथ जी। कहाँ पैदा? पुनरुत्थान में। कहाँ पैदा हुआ? पुनरुत्थान में। नए सिरे से कहाँ पे जन्मे आप? पुनरुत्थान में। पुनरुत्थान के बाद ही सब कुछ आपके लिए है। उसके पहले सिर्फ वो एक शैडो था। शैडो का मतलब परछाई था। आप गॉस्पेल्स में ढूंढोगे ना, ये अभी देखो सेनापति का कैसा हुआ, हाँ वो मेरे जीवन के लिए कैसा लागू है, नहीं ढूंढ सकते हो आप, क्योंकि वो पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान तब तक नहीं हुआ था। यीशु मसीह शिष्य को पुराने नियम से लेके नए करार तक वो लेकर जा रहे थे, इसलिए वो आपके लिए नहीं है। पुनरुत्थान के बाद सारे चीजें आपके लिए है। गॉस्पेल्स में शुभ वर्तमान में आप ढूंढ के देखो, शुभ वर्तमान में सिर्फ एक बंदा आपके जैसा है। कौन है वो? यीशु मसीह। नहीं नहीं, ये स्त्री रक्तस्रावी स्त्री, या क्या बोलते हैं उसको, लहू बहने की बीमारी में जो स्त्री थी वो आके यीशु के दामन छू लिया। हमको भी यीशु का दामन, अरे यीशु आप में जीता है यार, किसका दामन छूना है आपको? किसका दामन छूना है आपको? पता नहीं चल रहा है कौन है? यीशु मसीह को देखो। जब आप शुभ वर्तमान पढ़ते हो, सुसमाचार पढ़ते हो, यीशु मसीह को देखो, क्योंकि वो आप हो, वो आपका आईना है, वो आपका अक्स है। समझ में आ रहा है? ये बुद्धिमानी होगी। और मूर्खता क्या है पता है आपको? अपने आप को वो स्त्री के जैसा देखना, अपने आप को वो कोड़ियों के जैसा देखना, अपने आप को वो अंधों के जैसा देखना, लाजर के जैसा, मेरा जीवन मरा हुआ था पर यीशु ने पुकारा और मैं बाहर निकल आया। क्या है, किधर से निकल आया आप? कहां पे थे और किधर से निकल आया? ये क्या है? यीशु है आपका अक्स। शुभ शुभ संदेश में, समझ में आ रहा है? सुसमाचार में यीशु को देखो, वो आपको लिखा गया ताकि आप यीशु, ये बुद्धिमानी है। मूर्खता ये होगा कि आप दूसरे चीजों को देखो, पर यीशु ने ये कहा कि ये करो ये करो। अरे यीशु उनको कह रहे था, फरीसी को कह रहे थे, शिष्य को कह रहे थे जो नियम के अनुसार जीते थे। आप मुझे जो आपको विश्वास करना है ना, वो पुनरुत्थान के बाद वाले में चीजें में ढूंढो। अगर आपको सवाल वहां पर मिलते हैं तो वो सवाल पूछो। बुद्धिमानी यही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपका जीवन यीशु के पुनरुत्थान से पहले शुरू होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ये चीजें इसलिए लिखी गई ताकि आप जानो कि पहला जीवन उनका कैसा था और आपको क्या मिला। इससे खुश रहो कि ये आपका जिंदगी है, इतना ऊंचे स्थानों पर आपको बिठाया गया है। पुराने मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया था और धरती पर बिठाया गया और उसको बोला क्या? राज कर। परमेश्वर ने सोचा अभी पुराने मनुष्य को मैंने जमीन के मिट्टी से बनाया, बनाए हुए चीज से बनाया मैंने और उसको जमीन पर ही बिठा दिया और उसको बोला राज कर। नहीं हुआ उसे, वो पाप में गिर गया। चलो नए सिरे से जो बंदा जन्मा है उसको मैं मिट्टी से नहीं बनाऊंगा, मेरे वचन से बनाऊंगा जिससे मैंने सारी चीजों को बनाया। उसको मेरे वचन से बनाऊंगा और उसको जमीन पर नहीं बिठाऊंगा राज करने के लिए, आसमानी स्थानों पर लेकर जाऊंगा ताकि उसको गिरने का नौबत ही नहीं आता है। शैतान आसमानी स्थानों पर नहीं आ सकता है आपको गिराने के लिए, उसके लिए को वो दरवाजे कब का बंद हो गए। समझ में आ रहा है? वो साहब आप कोई भी नहीं आ सकता है ऊपर आपको गिराने के लिए, क्योंकि आप आसमानी स्थान पर। जब आप दुनिया के तरीकों से सोचते हो, आप आसमान से उतरकर नीचे आ जाते हो। नहीं चलता है चीजें देखने से सुनने से, आपके लिए ऐसे नहीं चलता है। आत्मा से होती है चीजें आपके लिए। आत्मा से चलो, देखे हुई चीजों से मत चलो, सुनी हुई चीजों से मत चलो, बोले हुई चीजें जो आपको सुन रहे दे वो सब में चलो, आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि जितने उसके बेटे हैं, उसके फर्जंद हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये getting it? Yes, नए आदमी में ना वो तौर तरीके है नहीं दुनिया सब। हम कमांड करते हैं, चीजें हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता ये खाना से 5 रोटी 2 मछली क्या करेगा, ये इतने भीड़ को कैसे खिलाएगा। अरे आप दुनिया के तरीकों से सोचोगे तो पैसा भी नहीं रहेगा आपके पास वो करने के लिए। यीशु मसीह के तरीके से सोचो,
यीशु मसीह को पैसा नहीं लग रहा था खाना लाने के लिए, यीशु मसीह ने वहां का वहां खाना ला दिया और 30,000 लोगों को खिला दिया, दो मछली 5 रोटी से। पैसा लगता है ना खाने के लिए, किसने बोला? ये दुनिया वाले बोलते हैं। जमीन लाने के लिए पैसा लगता है, घर लाने के लिए पैसा लगता है, किसने बोला? दुनिया वाले बोलते। यीशु मसीह के लिए ऐसा आ गया था और हम उसके बच्चे। आमीन। चलो सॉलोमन के ऊपर जाते हैं। इसका बुद्धि देखेंगे हम, कितना बुद्धि था इस बंदे के पास। बहुत सिंपल है, आज नोट्स लेने के लिए कुछ है नहीं, इत्मीनान से बैठो, आराम से बैठो, स्टोरी फॉलो करो, बस ये स्टोरी एंजॉय करो। डोंट मिस द स्टोरी फॉर एनीथिंग, ओके? डोंट मिस द स्टोरी फॉर एनीथिंग। सिर्फ आराम से स्क्रीन पे जाके देखो, मैं सिर्फ दबाने वाला हूँ। आखिर में आप सब बोलोगे कि आपने कब क्या सीखा, क्योंकि पवित्र आत्मा शिक्षक है, पवित्र आत्मा हमारे टीचर है, वो हमें सिखाएगा आज कुछ अलग रीति से, क्योंकि हर टाइम में जब सिखाता हूँ अलग रीति से सिखाता हूँ, अलग अंदाजे से सिखाता हूँ, ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी चीज एक समान नहीं किया, हर चीज अलग अलग किया, तो हम भी अलग अलग सीखेंगे, ठीक है? तो आज हम सीखने वाले कहानी घर घर की नहीं, सॉलोमन की, ठीक है? और ये कहानी जो है दाऊद के पुत्र सॉलोमन का था। कौन? सॉलोमन। आप पूरा कहानी इस पे ही देखोगे, आंखें यहां पर ही लगाए रखना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नंबर वन, रेडी स्टार्ट। फर्स्ट की संख्या ये है कि किताब 11वां किताब है। कौन सा वा किताब है? 11वां किताब है। हमारा जो ये सेशन है ये 13th सेशन है, 13वां, 52 सेशंस में हम पूरा बाइबल कंप्लीट करने वाले, ये 13th सेशन है। कौन सा सेशन है? 13वां, क्योंकि डेविड ने दो सेशन ले लिया, ठीक है? बहुत बड़ा आदमी। 22 चैप्टर है, 816 वर्सेस वचन है, और 24,524 शब्द है, और यशया या यरमाया ने लिखा है। क्यों? क्यों? गाद, नाथान, ये सारे जो नबी थे उस समय के, उन्होंने लिख लिख कर रखा था, और यशया या यरमाया उन लोगों ने सब समेट कर ये पूरा किताब बना लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लोग वो ही थे जो हिस्ट्री रिकॉर्ड करते थे, हिस्ट्री रिकॉर्ड करते थे। तो यशया या यरमाया उनमें से एक ने ये पूरा रिकॉर्ड लिख दिया, ठीक है? रेडी? यस। लिख दिया ये? सिर्फ यही लिखने का था और कुछ नहीं। इलेवेंथ बुक, 22 चैप्टर्स, 816 वर्सेस, 24:5, 24 words. बाइबल कहाँ है? बुक कहाँ है? मोबाइल में है? नहीं। आज सिर्फ देखना है ऊपर, तो सिर्फ स्टोर में। ओके, स्टोरी के लिए तैयार? सब देख सकते हैं टीवी? सब देख सकते ना टीवी? आज मुझे पता चला कि परिश्रम कर, आराम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि ये आरामदायक प्रीचिंग जो है बहुत परिश्रम करना पड़ा इसके लिए। कई घंटे लगे इसको बनाने के लिए, और आप देखोगे बहुत सिंपल है। आप सोचोगे अरे इसको बनाने के लिए इतने घंटे क्यों लगे? एनिमेशन, टेक्स्ट वगैरह सब डालने के लिए बहुत टाइम लगा। तो आज मुझे पता चला कि परिश्रम करना पड़ता है आराम के लिए। अब देखोगे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बना दिया। स्टोरी बहुत ईजी है, 11 चैप्टर का ही है। ओके, नंबर वन, दाऊद राजा क्या हो रहा था? यू लाइक टू रीड फर्स्ट। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हुआ। तो दाऊद राजा एकदम बूढ़ा हो रहा था, वो डिप्रेशन में चला जा रहा था, उसके पास कुछ था नहीं। तो किसको लाया गया उसके लिए? अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक नाम का एक अभिषेक, अभिषेक को लाया था उसके लिए, उसको गरम करने के लिए। रीड। उसको उसके बदन को गर्माहट देने के लिए। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा उससे सहवास न हुआ। तो मतलब शारीरिक संबंध नहीं हुए, पर सिर्फ गर्माहट देने के लिए और उसको गर्म रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था और बच्चे का उसके पास जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर अदोनिय्याह, कौन है अदोनिय्याह? उसका बेटा। उसका बेटा, उसका बेटे ने सोचा कि ये तो बूढ़ा हो गया है, चलो मैं राजा बन जाता हूँ। तो अदोनिय्याह और
और कौन? दाऊद का बेटा। माँ माँ के बारे में बोल रहे हो। हगीत हगीत नाम है उसका। माँ माँ मदर। मुझे लगा कि उसके बाप का नाम। नहीं नहीं दाऊद ठीक है। अबियातार याजक और योआब, इन लोगों को लगा कि अदोनिया सही बंदा है क्योंकि अदोनिया सबसे वही बंदा बचा था। क्यों? अब्सलोम तो मर गया था और कौन था दूसरा पहला बेटा जो तमार के साथ, कौन था? अम्नोन। अम्नोन को अब्सलोम ने मार दिया तो बचा कौन है? अदोनिया, अदोनाइजर, अदोनिया। ठीक है, तो अदोनिया को यहाँ पर पार्टी कर रहा था कि मैं राजा बन गया और उसके प्रमुख दाऊद के प्रमुख सेनापति को लिया और दाऊद के याजक को लिया और साथ में वो लोग एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले थे। ठीक है, और उन्होंने उस पार्टी में सुलेमान को नहीं बुलाया, सदोक याजक को नहीं बुलाया, बनाया को नहीं बुलाया, बनाया हाँ, नातान नबी को नहीं बुलाया और शिमी रेई को नहीं बुलाया। इन लोगों को नहीं बुलाया पार्टी में, वो लोग पार्टी बनाने वाले थे और इन लोगों को पार्टी में नहीं बुलाया तो ये लोग नाराज हो गए। तो क्या होता है, नातान नबी बेतशीबा के पास आ जाता है और बोलता है अदोनाइजर अपने आप को राजा बना रहा है। दाऊद को पता है क्या? दाऊद को जाके बता, बाद में मैं आ जाता हूँ, नातान नबी बोलता है। नातान नबी दाऊद का नबी है। ठीक है, तो फिर बाद में बेतशीबा बोलती है ओ नो, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं दाऊद से जाके बात करती हूँ। तो झट से वो दाऊद के पास आ जाती है और बेतशीबा दाऊद को बोलती है कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, मैंने डाल दिया। ठीक है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुमने तो वादा किया था कि सोलोमन मेरा बेटा राजा बनेगा। तुझे पता है अदोनिया अपने खुद को बेटा राजा बना रहा है, हाँ तुमको पता भी है क्या? और जब तुम मर जाओगे यहाँ पे तो वो मुझे और मेरे बेटे को हकल देगा, बाहर हकल देगा। तो हर आदमी जो करता रहता है, हर आदमी जो कहता रहता है जब भी औरत बात करती है, है ना? नहीं समझ में आया? डोंट रोटेट एनीमोर, जस्ट सिट देयर, इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज, इट्स ओके, जस्ट सिट देयर, लेट इट बी, मैन जस्ट सिट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कितने जनों ने शिवानी को कभी नहीं देखा? देखा सबने? हाँ, तो ध्यान किधर गया? इस एक सेकंड के लिए ध्यान सबका किधर गया जो मैंने अभी बोला? सब घूम, सब गायब। बेतशीबा क्या आके बोली दाऊद को, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, अदोनिया अपने आप को राजा बना रहे, सुलेमान मेरे बेटे को तूने बोला था कि वो राजा बनेगा पर जब तू मरेगा तभी वो लोग हमको हकल देगा बाहर। हर आदमी जब औरत बाबा को बाबा करती है, आदमी क्या करता है? नहीं बोला ना तो फिर वो बोलेंगे सुनते नहीं हो, कुछ जवाब दो। अगर जवाब नहीं दिया तो बोलेंगे सो गए क्या तुम, तो बोलना पड़ता है आदमी को। ठीक है, तो दाऊद बोलता है। फिर बाद में नाथान नबी आ जाता है बाद में और नाथान नबी दाऊद को बोलता है अरे तुम्हें पता है कि अदोनिय्याह अपने आप को राजा बना रहा है वहाँ पे, मुझे तो पता नहीं था। जो अबियातर भी उसके साथ ही है और सब लोग गा रहे वहाँ पे कि अदोनिय्याह राज, परमेश्वर अदोनिय्याह को संभाले रखना, गॉड सेव अदोनिय्याह, क्या बोलते उसको, राजा अदोनिय्याह धन्यवाद दसो या जो भी है, जो भी है। ठीक है, सब लोग वो लोग, और उन्होंने हमको पार्टी में भी नहीं बुलाया, तुम्हारे बेटे अदोनिय्याह ने हमको पार्टी में भी नहीं बुलाया। तो फिर बाद में दाऊद क्या बोलता है वापस से, दाऊद क्या बोलता है, सब लोग बोलो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलने का तभी बोलो, क्या बोलोगे? ठीक है, फिर बाद में बोलते हैं बेतशीबा को बुला लो। बेतशीबा वापस से आ गई, हाँ अभी तो कुछ तो खिचड़ी पकने वाली है। फिर बेतशीबा को बोलता है रीड, जैसा मैंने तुझसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैंने निश्चय आज के दिन कर दिया। क्या बात है, तो बेतशीबा तो एकदम खुश हो गया। बेतशीबा ने बोला मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा करता है, एक तो बोल रही है कि मेरे बेटे को राजा बनाओ और बेटे को राजा बनाने के लिए इसका मरना जरूरी है और अभी बोल रही सदा जीवित रहो, देखो
एकदम खुश हो गए, सदा जीवित रहो पर जल्दी मरना ताकि मेरा बेटा राजा बन जाए। देखा, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगा ये राजा नहीं बन सकता है ना। ठीक है, तो क्या होता है, ये लोग जाते हैं गिहोन में, क्योंकि दाऊद ने बोला गिहोन में जाओ मेरे गधे के ऊपर मेरे बेटे को बिठा, तो गधे के ऊपर खदा, तो गधे के ऊपर बेटे को बैठा। तो कौन जाता है वहाँ पे, सदोक याजक जाता है, बनाया जाता है, और नाथान नबी जाते हैं, और सोलोमन को गधे के ऊपर बिठाकर उसका राज्य अभिषेक करता है, और राजा सोलोमन जीवित जीवन रहे। बाइबल में जीवन रहे, आई कॉपी फ्रॉम द बाइबल। हाँ, तो सोलोमन का राज्य अभिषेक हो जाता है वहां पे। अभी क्या हो रहा है वहां पे, अदोनिय्याह तो वहां पे पार्टी कर रहा है ना। तो देखे वहां पे, यहाँ पर पूरा जश्न पूरा पार्टी चल रहा है। अदोनिय्याह है यहाँ पे, ओयाब योआब यहाँ पर है, और अबियतर, ये लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, ये हम राजा बन गए, हम राजा बन गए। पर उनको पता नहीं है कि वहां पे दाऊद ने सोलोमन को राजा बना दिया। तो वहां पर क्या होता है, आयो बोलता है वो आवाज क्या है, कुछ तो आवाज सुनाई दे रहा है, वो आवाज क्या है। फिर बाद में योनातन, योनातन कौन है, योनातन कौन है, इसका बेटा, उसका भी नाम योनातन था। तो वो आ जाता है, वो बोलता है सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सोलोमन को राजा बना दिया। सब लोग शौक, और ये सारे लोग जो यहाँ पर खा रहे हैं उसके सारे मेहमान भाग गए, सारे मेहमान भाग गए, क्योंकि अगर दाऊद वहां पर है ये तो बंदा गलत है, इसका तो मरना निश्चय है, क्योंकि ये राजा नहीं है मतलब वो राजा है। तो सब लोग वहां भाग गए। जब आफतें आ जाती है सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं, भाग जाते हैं। जब एक जहाज डूब रहा है सबसे पहले कौन भागता है, जहाज डूब रहा है तभी सबसे पहले कौन भागता है, कौन कर, चूहे भागते हैं, चूहे जहाज में, जो चूहे है ना वो भाग जाते सबसे पहले जब जहाज डूब रहा है। तो जो लोग आपको छोड़ के जाते हैं ना जब मुश्किल आ जाती है, वो कौन है, कौन है, इन चूहों से दूर ही रहना, इन चूहों से दूर ही रहना। समझ में आ रहे, कितने भी चूहे को आप पाल के रखे हो ना, आफतें आने दो, फिर बाद में पता चलेगा कितने चूहे और कितने सच्चे। आमीन। ठीक है, सब भाग गए। सोलोमन राजा, फिर अदोनिय्याह ने सोचा चलो हम जाके वेदी को लटक के बैठ जाते हैं वहां पे। तो सोलोमन राजा ने बोला चलो ठीक है, अदोनिय्याह को यहाँ पर लाओ। तो अदोनिय्याह आ गया और बोला प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो। यहाँ तक स्टोरी समझ में आया ना। तो सोलोमन राजा ने बोला ठीक है, अपने घर जा शांति से, अपने घर जा, किसके, शांति के घर, ने अपने घर जा शांति से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पहले किंग्स दूसरे चैप्टर में। अभी तक समझ में आया ना, समझ में आया स्टोरी, समझ में आया, बाद में पूछूंगा अंत में। हाँ ठीक है, याद रखना, बाद में पूछूंगा अदोनिय्याह कौन था, अबियतर कौन था, सब पूछूंगा। यहाँ तक स्टोरी समझ में आया, पहले चैप्टर में ये स्टोरी था, दूसरे चैप्टर देखते हैं। ओके, दूसरे चैप्टर देखते हैं। बाप, बूढ़ा बाप दाऊद अपने बेटे को टिप्पणी दे रहे, ठीक है। तो प्रभु परमेश्वर यहोवा का क्या करो, आज्ञा का पालन करो और उसके अनुसार, उसके ही अनुसार चलो, ठीक है। उससे ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, पर उसके अनुसार ही चलो, जो वो कहता है वही करो, ठीक है। दूसरा कहता है कि योआब जो है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया और मार दिया मेरे आदेश के बिना, इसलिए उसको मार डालो, ठीक है। तीसरा जो है, ये जो है बुरी मी शिमी शिमी, क्योंकि कुछ तो खटपट हुआ था दाऊद और शिमी के बीच में, तो दाऊद ने कहा शिमी को, शिमी के लिए उसको खत्म कर दो, क्योंकि उससे बदला ले लो, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है। फिर दाऊद क्या लिखा पढ़ो, तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊद पुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इसराइल पर 40 वर्ष राज्य किया, 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। और उसका उम्र कितना था जब वो मर गया था, 70 वर्ष। दाऊद का जन्म किधर हुआ, मराका पे, ठीक है। तो दाऊद राजा का बी एंड, और आया कौन उसके जगह पे, तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। Amen.
तो सोलोमन राजा बैठ गया और उसका राज दृढ़ हुआ। उसके बाद देखते क्या होता। अदोनाया, देखो सोलोमन ने क्या बोला अदोनाया को, शांति से घर पे जाके बैठ। ये बंदे को बच्चीबा के पास चला गया और उसने बोला मुझे क्या चाहिए। तो बच्चीबा क्या बोली, ओके ठीक है अभिषेक चाहिए तो अभिषेक अभिषेक मिल जाएगा, ठीक है मैं जाके सोलोमन से बात करती हूँ क्योंकि वो मेरा बात कोई से कौन सा भी बात टालता नहीं है। उसके बाद वो सोलोमन के पास चली जाती है और सोलोमन को बोलती है मैं पूछूँ कुछ, ना तो नहीं बोलोगे ना। तो सोलोमन ने बोला अरे कुछ भी पूछना, मैं कुछ भी दे दूंगा क्योंकि पूरा राज्य तो मेरा ही है, कुछ भी दे दूंगा कुछ भी। तो वो बोलती है अभिषेक को, अभिषेक को अदोनाया को दे दो, अदोनाया को अभिषेक दे दो। सोलोमन क्या करेगा, सोलोमन क्या करेगा, सोलोमन बोलता है सिर्फ इतना ही मांगा, पूरा राज्य मांगते थे उसके लिए, हाँ उसके लिए नहीं सिर्फ, हाँ वो इसके लिए भी अभियतर और जॉब के भी जो पूरा राज्य मांगते थे ना मैं देता था, मैं उसको मार डालूंगा बड़ा जाता वो, मैं उसको मार डालूंगा, सिर्फ इतना ही क्यों मांगा, पूरा मांगने का था ना, पूरा राज्य मांगने का था ना, मैं दे देता था। बोले नहीं मैं उसको मार डालूंगा, क्यों, क्योंकि उसने अपने बाप दाऊद से वचन लिया था कि मैं उसको मार डालूंगा। तो पहला वचन हमेशा ठहरता है, दूसरा वचन है। देखो पुराने जमाने के लोग ना पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करते थे, जब वचन बोलते थे ना तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, ठीक है अपने मुंह से कभी जबान से मुकरते नहीं थे। आजकल के जमाने में 3-4 कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, लॉयर को सामने बिठा बिठा कर साइन करो, फिर भी वो लोग धोखा देते। उस जमाने में एक बार वचन आ गया किसी के मुंह से तो क्या होता है, वो लोग बोलते थे डन डील, ये जमीन तुम्हारा है, हाँ हाथ मिला पैसा दे दो, ये जमीन तुम्हारा है दिए। पर आजकल के जमाने में क्या होता है देखो, आमीन। तो क्या होता है, सोलोमन बनाया को, बनाया हुआ बनाया को बोलता है अदोनाया को मार। तो बनाया क्या करता है, अदोनाया को मार डालता है, उसका खबर बन जाता है ग्रेव, अदोनाया का ग्रेव। देखो अदोनाया का नाम लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अबियतर को जो याजक है उसको भगाता है राज्य से, और कहां पर बेचता है उसको, अनातोत, अनातोत को बेचता है। बोलता है कि इस दिन के बाद तू याजक नहीं कहलाएगा, तू याजक नहीं बनेगा, भाग जा मेरे नजरों के सामने, और वो भाग जाता है अनातोत को पहुंच जाता है, ठीक है। और किंग सोलोमन बोलता है वापस से बनाया को कि एक बंदा फिर से बचा है युवाब, युवाब जो है अबियतर अदोनाया के जैसा, वो भी वेदी पे लटका हुआ है ताकि मैं उसको माफ करूं, क्यों, क्योंकि अबियतर अदोनाया को मैंने माफ कर दिया क्योंकि वो वेदी पे लटका हुआ था, तो ये बंदा भी जाके वेदी पे लटक रहा है ताकि मैं उसको माफ करूं। पर नहीं, मैंने अपने पापा से कहा था कि इसको मार डालूंगा, मतलब मार ही डालूंगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, वो वेदी पे है जाके उसके ऊपर गिर, इंग्लिश में लिखा है वो फॉलन है, जाके गिर जाए उसके ऊपर वो मर जाएगा। तो बनाया क्या करता है, उसके ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। यहां तक स्टोरी समझ में आया, कंफ्यूजन कुछ याद रखना, आखिर में आप स्टोरी बताने वाला कैमरा के सामने था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बनाया को सेनापति बना देते क्योंकि योआब तो मर गया, योआब सेनापति था, तो योआब तो मर गया इसलिए बनाया को नया सेनापति बना देते और सदोक को याजक बना देते, क्यों, अबियतर तो भाग गया, समझ में आया, तो उसके जगह में सदोक को याजक बना देते। और सोलोमन शिमी के बारे में बोलता है कि देख तू यहाँ पे घर बना, मैं तेरे साथ कुछ अच्छा ही करूंगा, तू यहाँ पे घर बना और तू यहाँ पर ही रह, पर किद्रोन को पार मत करना, किद्रोन के उस पार मत जाना, यहाँ पर ही रहे मेरे नजरों के सामने, यदि तू गया तो तू मर जाएगा। तो ये तो एकदम खुश हो गया, ये तो बोला यिप्पी नो प्रॉब्लम, मैं तो बच गया बाबा, मैं तो इधर ही घर बनाऊंगा, मैं तो इधर ही रहूंगा, ये यिप्पी खुश हो गया बंदा। पर 3 साल के बाद क्या होता है, उसके 2 सर्वेंट्स जो है जाते किधर, गत नगर, कौन सा नगर, गत नगर जाते हैं, किसके पास, आकिश के पास। आकिश पता है ना कौन था, आकीश राजा कौन था, दाऊद उसके पास चला गया, और दाऊद ने वो आकीश ने दाऊद को बोला कि मेरे सेनापति वगैरह बोल रहे हैं कि तुमको साथ में लेकर नहीं जाना युद्ध के लिए, तुम वापस से चले जाओ, इसलिए दाऊद वापस से जिकलाई चला जाता है।
समझ में आया? आकीश वही बंदा है जिसने बोला दाऊद को यहाँ पर रहे, और दाऊद जाके हमेशा जीतता था, और आकीश पूछता था क्या किया, आज किधर गए थे, आज किधर गए थे, वो वाला राजा है, ठीक है। तो ये दो सर्वेंट्स किसके, शिमी के, यहाँ पर चले जाते हैं भागते। तो शिमी को पता चलता है कि उसके दो सर्वेंट्स कहाँ पर है, शिमी जेरूसलम में, दो सर्वेंट्स कहाँ पे, गत पे। तीन साल के बाद ही होता है, तीन साल के बाद, तो गत में। तो शिमी क्या करता है, गत को भाग जाता है, अपने दोनों दासों को लेता है और वापस से यरूशलेम आ जाता है। वापस से कहाँ आता है, यरूशलेम आता है। जैसे किंग सोलोमन को पता चलता है, राजा सोलोमन को पता चलता है, तो वो बोलता है आई टोल्ड यू कि द्रोन के उस पार मत जाना, फिर भी तू गत पे गया,